भाई फेसबुक के लिए आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल कैसे करें। आपने देखा होगा जब से अपडेट आया ना, काफी सारे क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो बता रहे हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जब से आया है आपके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सबसे बैड न्यूज है और ये क्रिएटर के साथ इन्होंने एक गेम खेला है। अभी हम बात करने वाले हैं कि भाई फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल कैसे करें या फिर फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कैसे लाए। आपको बता दूं कि पहले 5000 फॉलोवर चाहिए होते हैं और 60000 मिनट्स का व्हाट्सएप चाहिए था। अब इन्होंने इसका जो खेल है वो खत्म कर दिया है, यानी कि भाई अब इसको 5000 फॉलोवर और 10000 मिनट्स का व्हाट्सएप आपको करना ही नहीं है। अब आपको डायरेक्ट इनविटेशन का प्रोग्राम मिल जाएगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, आगे की तरफ मैं लेके जाता हूं, यहां पे जरा देखिए इन्होंने किया क्या है। एड्स ऑन रील, बोनस स्टार और इन स्ट्रीम एड, शायद अभी इसके बारे में बात नहीं हो रही है। और ये स्टार इन्होंने क्यों लगा रखा है मेरी समझ में ही नहीं आता, स्टार कोई देता ही नहीं है, ये पता नहीं क्यों लगा रखा है इसको, यार खत्म कर देना चाहिए आपको या फिर इसको भी इन्हीं में ऐड करें। ठीक है, अगर ये सब ऐड किस में हो रहा है, एक इन्होंने टूल बनाया है जिसका नाम है कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन टूल, है ना, यही तो चल रहा है ना आजकल, ये सभी देख रहे होंगे आप, मोनेटाइजेशन टूल ये चल रहा है। अब ये मिलेगा कैसे, अब आपको 5000 फॉलोवर्स और 60000 मिनट का वॉच टाइम तो नहीं चाहिए, अब आपको ये मिलेगा कैसे, ये है इनवाइट ओनली, भाई क्या बोल रहा हूं, इनवाइट ओनली, ठीक है, इनविटेशन ओनली। अब मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान देखना, पहले जो है ना, पहले अच्छा था, अब ये बेकार कर दिया, मतलब किसी के 5000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए, 60000 मिनट का वॉच टाइम हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो उसको अब इन स्ट्रीम ऐड देखने को नहीं मिलेगी। ये जो ना पहले से बहुत खतरनाक कर दिया है, ऐसा क्यों कर दिया है और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको कैसे मिलना है, सब कुछ आगे मोबाइल की स्क्रीन पे समझाने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना इसरार मलिक को, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ ओनली टू ओनली फेसबुक के रिगार्डिंग ही वीडियोस को अपलोड करते हैं। देखो मेरे पास एक पेज है जिसका नाम इसरार अर्निंग है, इस पेज पे मैं पिछले 15-20 दिन से काम कर रहा हूं और अगर मैं शीट डैशबोर्ड में जाता हूं तो ये पेज भी मेरा इस टाइम ग्रो हो रहा है। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको फॉलो कर लेना क्योंकि अब फेसबुक कंटेंट इसी पे आने वाला है, क्यों आने वाला है वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो यहां पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, ये है मोनेटाइजेशन का, आप फॉलोवर्स देख लेना, 967 है, 1000 भी फॉलोवर्स कंप्लीट नहीं हुए। इसमें मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे लिखा है नॉट येट एलिजिबल, अभी आप एलिजिबल नहीं हो, नहीं स्टार के लिए, नहीं एड्स ऑन रील के लिए, नहीं बोनस के लिए, नहीं इन स्ट्रीम ऐड के लिए। पहले क्या होता था मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टार है इसमें यह बताया जाता था कि भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन फॉलो करना पड़ेगा, आपकी कंट्री में एलिजिबल हो, आपको 500 फॉलोवर्स चाहिए होंगे, वो भी 30 दिन तक आपके फॉलोवर्स रहने चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको स्टार इनेबल हो जाएगा, आपको पे आउट लगा दिया जाता था। अब यहाँ पे जो एड्स ऑन रील थी ये इनविटेशन ओनली थी, ठीक है ना, आप यहाँ पे देखोगे कि आप रील बनाओ दबा के और अर्न भी कर सकते हो, बट ये अवेलेबल रहेगा, आई मीन इंटरेस्टेड। बट यहाँ पे आपको बता दूं काफी सारे लोग इस पे क्लिक करते हैं, मेरे भाई बड़े बड़े क्रिएटर क्या कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब उनका नाम लेना नहीं चाहता भाई, यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक मत करना। अगर क्लिक आपने कर लिया आपका पेज चला जाएगा भाई रिव्यू में और वो कब तक पड़ा रहेगा पता नहीं है। मैंने एक पेज पे ये गलती करी थी, उसके बाद भाई साहब मेरे को अभी तक नहीं मिला और दूसरे पेजों पे मिल गया जिसमें मैंने आई एम इंटरेस्टेड नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद बोनस पे भी यही बताया गया कि इनविटेशन ओनली है, आप देख सकते हो बोनस में भी यही बताया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब इन स्ट्रीम जो एड है इसमें भी यही बताया गया, इसमें तो और ये बोल दिया गया कि जो इन स्ट्रीम एड है आपके जो परफॉर्मेंस बोनस है एड्स ऑन रील है वो हमने भाई साहब सबको यहीं पे लगा दिया, जो पोस्ट कर रहे हैं वो भी यहीं लगा दिया और ये भी प्रोग्राम जो है ना आई एम इंटरेस्टेड बेस पे है। तो मेरे भाई अब आप सोच रहे होंगे, आप खुश हो रहे होंगे, यार सबको इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया दैट्स ए वेरी गुड, क्योंकि यूट्यूब भी इस तरह ही करता है। बट इसने प्रॉब्लम एक कर दी कि यहाँ पे क्राइटेरिया रखना जरूरी था। अब क्राइटेरिया मान लिया किसी के, पहले क्या होता था जैसे कि आपने पता है 5000 फॉलोवर्स चाहिए होते थे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, और भाई 60000 मिनट्स का वॉच टाइम चाहिए होता था, ठीक है ना, ये मिनट्स में यहाँ पे लिख देता हूं। तो अब क्या होता था
कि आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, तो जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट होता था उसी का रिव्यू में जाता था। अब क्या है, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे, पता नहीं कितने बंदों के रिव्यू में चला जाएगा, है ना। इसी तरीके से अब आपका रिव्यू कब होगा कब नहीं होगा कुछ पता नहीं है। हो सकता है किसी के 10,000 फॉलोवर हो जाए, हो सकता है किसी के 1,20,000 मिनट हो जाए, अब पता ही नहीं है क्राइटेरिया का। मेरे हिसाब से ये फेसबुक ने बिल्कुल एकदम से गलत किया है मेरे भाई, हमें पता ही नहीं है। आपने भी देखो, आप बोनस ऑफ रील्स है ना, किसी किसी को मिल जाता था और कोई इतना अच्छा काम कर रहा होता था उसको नहीं मिलता था। मतलब ये लक की बात चल रही है कि हिसाब से रैंडमली मिल रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको क्राइटेरिया रख दो चाहे ज्यादा रख दो, पर ये क्राइटेरिया रखना जरूरी था। भले ही आपने सबने मिक्स कर दिया, एड्स ऑन रील मिक्स कर दी आपने, बोनस मिक्स कर दिया, इन स्ट्रीम एड मिक्स कर दी आपने, इट्स ए वेरी गुड, बट क्राइटेरिया रखना जरूरी था। फेसबुक तो ये बोल रहा है 2025 से पहले हम किसी की सुनने वाले नहीं है। तो यहां पे अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट भी हो गया था जो पहले इन स्ट्रीम एड वाला था, बिल्कुल भी इस पे क्लिक मत कर देना, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये फंसा रहेगा। अगर आपको मिलना होगा तो आपको रैंडमली ऐसे ही मिल जाएगा। मान लिया आपका क्राइटेरिया कंप्लीट भी हो गया तो आपका रिजेक्ट भी हो गया तो आपको पता चलता था कि रिकमेंडेबल की वजह से हुआ है या किस पॉलिसीज की वजह से हुआ है। अब भाई साहब पता ही नहीं चल रहा, सब ऐसे ही लगा पड़ा है, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके आप भूल गए हैं और वो भी सो गया फेसबुक। फेसबुक की टीम इतनी अच्छी नहीं है, रिव्यू में बहुत सारे लोग जा चुके हैं मेरे भाई। अब आप इस पे क्लिक नहीं करना है, अगर आपको काम करना है एक प्योर अच्छे कंटेंट पे काम करने की कोशिश करो। और इन स्ट्रीम एड जो है ना रैंडमली मिल रहा है, अगर आपको रैंडमली मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके तो आप वहां पे एड्स वगैरह जो है ना आपका आनी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आप अपने पे से अर्निंग करना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर किसी के पास नहीं मिल रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फेसबुक की सबसे बुरी बात ये भी लगती है मेरे को भाई, जब स्टार कोई काम नहीं है इसको हटा दो। पता नहीं यहाँ पे क्राइटेरिया लिख रखा है, मतलब ये बड़े बड़े चीजों को तो कर रहा है इनवाइट ओनली, और इसको स्टार वाला ये चकचुंदर सा इसको जो है ना यहाँ पे क्राइटेरिया मीट करा रहा है। पता नहीं भाई फेसबुक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरी समझ में तो नहीं पड़ा है। कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन टूल एक अच्छा प्रोग्राम है, बट क्राइटेरिया उसका होना चाहिए था, क्योंकि एक अंदर से मन होता था, खुशी होती थी कि भाई मैं इतना क्राइटेरिया कंप्लीट करूंगा तो मेरा पेज जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। अब किसका जा रहा है कैसे जा रहा है कुछ पता नहीं लग रहा, मैं तो बिल्कुल इसके लिए डिसलाइक करता हूं ऐसे। आप कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। अगर ये वीडियो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फॉलो करना मत भूलना, ये वीडियो इसरार अर्निंग पेज पे आपको मिलेगी, इसरार अर्निंग पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद।